ये बनाई हमारी माम, गोबर गैस। तो इसके अंदर देख सकते हो आप गोबर है, जैसे कि बिल्ली सो रही है, जो है पिग का घर आरू। सो हेलो गाइज, दिस इज अमिता, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं देने वाली हूँ होम टूर भैया का घर, और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें वो सब एक एक करके हम आपको दिखाएंगे क्या क्या खेती में भी उगाई है। तो सबसे पहले आप एक बार लुक देख लो ऊपर से, मतलब बाहर से। उसके बाद मैं अपने मामा और मामी है उनसे भी मिलवाऊंगी। ये है मेरे सबसे छोटे वाले मामा, मम्मी के भाई, भैया या भाई। और ये है मेरी मामी, और ये है मेरी बहन, बोल सकते हैं इसको, भैया की बहन, भतीजी है, भैया की बेटी, भतीजी। और इधर इसका नाम है सुभाष, हाय करो उधर, हाय। ये हमारी दीदी है, उनका बेटा है, ये भी यहीं पे ही रहता है इस घर में। अब हम देते हैं इस घर का होम टूर। नानी, हम तो राम राय, नानी की बोल रहे हो? नानी तो नानी बोलते हैं, नानी बोलते हैं, नानी बोलते हैं, नानी तो अच्छा है, नानी सन्चै छौ भनौ, नेपाली सन्चै छौ, हामी राम्रै छौ, केही चिन्ता नमान्नु, खेतीपाती चलाएकै छ। ये हमें होम टूर कराएंगे, तो ये बताएंगे सब चीज क्या है। मैं बस इनके पीछे पीछे जाऊंगी। भाई अंग्रेज है हमारे घर के, अंग्रेज। पहले ये दिखाना, ये है फर्स्ट रूम, बेडरूम बोल सकते हैं। ऊपर देखो वो लगा रखा, क्या कहते हैं, ये नाग पंचमी होते है ना, तो उसका नाग पंचमी का वो लगा रखा है। हाँ, तो ये है फर्स्ट रूम, इसमें पधारिए, हमारा कमरा गाँव का घर होता है ऐसे ही। सो ये है पूरा एक कमरा, जो ऐसे दिखा दे पूरा। इस कमरे में दिखाओ सबसे पहले, ये है चावल, ये धान, ये धान है, ये पूरा भर रखा है चावल। देखिए ये धान है, ये धान, मतलब हमें ये पता नहीं है। ये धान है, इसको मतलब इसको ना वो ढिक्की में कूटते हैं, ढिक्की होती है ना, तो चक्की में कूटते हैं इसे, तो इसके अंदर से दाना निकलता है। तो चावल जो ये लोग निकालते हैं खेत से, इन्होंने ऐसे स्टोर करके रखा है, जब इन्हें यूज चाहिए था तो ये इसको यूज कर लेते हैं। ये पूरा घर बड़ा है। इसके बाद ये हैंडमेड है, ये है चटाई जो बनाई है हमारी मामी ने, ये देखो इन्होंने बनाई है। पूरी पूरी खोल के दिखाओ ना, पूरी क्या इतना ठीक है। ये देखो हैंडमेड चटाई, मतलब गाँव के लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं ना, तो ये है उनका टैलेंट। ये है गेहूं, गेहूं का टैंकर देख रहे हो कितना बड़ा है, यहाँ से निकालते हैं जब चाहिए जाए तो, नीचे से पूरा भरा हुआ। इधर आना, ये देखिए पूरा भरा गेहूं, वो भी एकदम साफ। हमारे वहाँ पे तो गंदे होते हैं, यहाँ पे तो पूरे साफ गेहूं है। और ये है बजाई का बक्सा मामी का, और ये है कुछ गुड्डे यहाँ पे सामान रखने के लिए। ये टीवी, हाँ टीवी दिखा रहे आप, दिखाने के बाद ये भी कुछ सामान है यहाँ पे। ये बेड है रात को सोने के लिए, ये है खिड़की विंडो। ये खत्म हो गया एक कमरा, ये फैन दिखा दो, ये दूसरा फैन। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे, ये रहा हमारा दूसरा कमरा। इस कमरे में अभी फिलहाल हम लोग रह रहे हैं, मैं और हेमंत स्टे करते हैं, ये भी हमारे साथ रह रहे हैं। ये भी है कुछ गेहूं इन लोगों का, यूज है बेड, ये भगवान की फोटो, वो अमिता मासी का वो क्या कहते हैं तकिया। ये भी है गेहूं ही होगा ये पूरा, ये भी गेहूं है। उसके बाद ये भी कुछ ऐसे ही मेकअप करने के लिए है, टेबल टाइप। ये मंदिर रखे हैं, ये मंदिर हमारा छुप गया है, मंदिर दिखा दे। हाँ कितना प्रीटी प्रीटी सा बैग है बच्चों के स्कूल का। ये रहा मिक्सी जो की खराब है, तो ये दो वाइट बोर्ड है जहाँ से हमारा भी चार्ज हो रहा है। तो ये है पूरा कमरा, और ये विंडो है, और विंडो से अब हम बाहर का व्यू इतना ही है, कुछ इस तरफ ज्यादा खास नहीं है। हम चलते हैं किचन, अब इसको दिखाओ, ये बताइए। ये गेहूं सुखाने डाल रखे हैं, दिल्ली सो रही है मस्त, और ये हमारे जूते पड़े हैं गंदे। पानी यहाँ का बहुत ठंडा है, चाहे दिन में तगड़ी धूप भी होगी ना, तब भी पानी ठंडा ही मिलेगा। ये है मसाला पीसने वाला, हम सिलबट्टा, सिलबट्टा किचन में चप्पल बाहर उतार के आते हैं। देखो चप्पल बाहर, ये है किचन, किचन बहुत बड़ा है यहाँ पे, ये छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे भी एक चूल्हा है जो ठंड में यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है सारी, और यहाँ पे है वो वाला
गैस, यहाँ पे गैस है, गोबर गैस, गोबर गैस है। अब गोबर गैस कैसी होती है मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैडम आओ बताओ कैसी होती है। गोबर हाले पछि अनि उता पछाडी, अच्छा अनि गले पछि अनि ग्यास खुला पछि अनि चल्छ भन्नुहोस् हाले चाहिँ जल्छ भन्नु त जल्दैन, गोबर गोबर हाले चाहिँ जल्छ न त जल्दैन। ये गोबर गैस है, पीछे इसका कुछ होगा बक्सा टाइप चक्की टाइप उसमें गोबर डालो और ऐसे ऐसे पीसो उसको, जब वो पिघल जाएगा ना तब यहाँ पे गैस आ जाती है। अभी हम वो भी दिखाएंगे, अदालत ने बगा रही यहाँ पे। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे लहसुन रखे हुए, और यहाँ पे ये भुस्सा रखा हुआ है, और वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टोर रूम है पूरा खाली। अंदर हम नहीं जाते क्योंकि पूरे जाले जाले हो रहे हैं, बंद नजर क्या ही करेंगे। हाँ ये और ये और ये यहाँ पे देखो, ये गांव में बर्तन रखने के लिए ऐसा बना के रखते हैं, और ये सारी खेती करने और ये के लिए और ये सारी सिकल्स वगैरह है। ये मुर्गा बच्चे नहीं है, ये मुर्गी का घर है, ये नेपाली में बोल रही, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। और ये है मुर्गी का घर, इसमें मुर्गी पीछे घूम रही है, अभी यहाँ पे है नहीं, इसका घर है ये। ये रहे हमारे दो बैल, एक है ये और एक है वो। इनकी सिंग ऐसी मार दिया ना मुझे, मैं तो चली जाऊंगी नहीं मारेगा। अरे वो बकरा, वो बकरी, बकरी दिखा दो। और वहाँ पे देखिए मुर्गा, वो हमारी मुर्गी, मुर्गी जो हमें मुर्गी के घर दिखाए थे ना वो है। बकरी कहाँ गई, एक ही है बच्चा है। ये डरते हैं मामी से हमारे, मामी आ गई दोनों खड़े हो गए। ये लोग कर रहे आराम, इनको भी घास वास दे दिए। और ये है हमारी बेस्ट चीज जो है पिग का घर। अब हमारा पिग का घर दिखाओ, वो मशीन को खुटा खींच सो रहा है अच्छे से कीचड़ में। इसको इसलिए पालते हैं ताकि इसको हम बेच सके बाद में, है ना, एक दो साल बाद पैसों के लिए। अभी इसको खरीद के लाओ छोटे में 5-6 हजार रुपए में, उसके बाद जब ये बड़ा हो जाएगा 1-2 साल बाद तब इसको 40 हजार में बेच दो, इसलिए इसको 50 हजार में। ये एक सूअर जो होता है पिग वो बिक जाता है नेपाल में, ठीक है। अब इसके बाद दिखाते हैं खेत क्या क्या उगा रखे हैं यहाँ पे। पहला है ये केले के पेड़ है, लेकिन इसमें केले हैं नहीं, इलग इलग ये घंटे फूल का पेड़, ये घंटे फूल का पेड़। ये है केले, और मामी ने क्या कहा, आरू, आरू ये देखो ताजे ताजे आरू, ये लेके जाऊंगी मम्मी के लिए घर पे भी, एक दो दिखाने के लिए, खाने के लिए तो नहीं, वहाँ पे भी लगे हैं। थोड़ा घूम करके दिखाओ ना, ऐसे ऐसे करके देखो वहाँ पे, यहाँ पे लगे हैं, ये हो गए आड़ू। और ये है एक और पेड़ जो है चूक बोलते हैं ना नेपाल में, हाँ। ये बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़े वाले चूक का पेड़ है ये। कितने बड़े हो जाते हैं, एक किलो, आधे किलो का हो जाता है, आधा किलो का। ये देखो ये अभी तो छोटा है, अब इसको बड़ा हो जाने दो। इसके अलावा है ये मशीन जिस पानी डालते हैं ना, ये पूरे खेत में सिंचाई करने के लिए, सिंचाई के लिए पानी वानी डालते हैं। तरकारी खाना है, मतलब इसका ही पका के हम भी खा सकते हैं और उनको भी दे सकते हैं। बड़े 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 पत्ते नहीं खा सकते हम लोग, छोटे छोटे पत्ते हम खा सकते हैं, बड़े बड़े पत्ते पिक खा सकते हैं। इसके बाद ये है सेमी, नहीं करेला, करेला हाथ मत लगाना भाई, फिर हाँ लगा लगा उसमें तो लगा सकते हो। ये है पूरा करेला, इससे बड़े बड़े करेले लगे हैं, ये मैं लेके जाऊंगी घर दिल्ली, क्योंकि मम्मी को खेती के करेले बहुत पसंद है। पूरा खेती करेले, इसमें करेले का एक एक दो इसके ऊपर आम है, आम तो लगा नहीं। आम के बाद ये भी ये दिखा दी, भिंडी, भिंडी ये है भिंडी, बस इसमें भिंडी अभी लगी नहीं, छोटे छोटे है ये अभी। ये भिंडी के पेड़, ये वाला पेड़ भिंडी का है, भिंडी तो ये है भिंडी जो अभी उगे नहीं है, जैसे उगे नहीं अभी उगेंगे। तो
वॉशरूम जो हम यूज़ करते हैं। ये गांव का वॉशरूम है हमारा। ये है गोबर गैस, तो इसके अंदर देख सकते हो आप गोबर है, जैसे कि गोबर डाला जाता है। इसमें गोबर डाल के इसको ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ता है, उल्टा घुमा उल्टा, ऐसे ऐसे घुमा के पानी डाल के, जब ये पिघल जाएगा ना तो इधर आओ पास आओ, यहाँ पे देखो एक छेद है वहाँ पे, तो वहां से जाती है और उधर किचन में जाके गैस निकलती है, इसको कहते हैं गोबर गैस। और फिर यहाँ पे इसको एक और पाइप है जॉइनिंग, उसका गैस वो खोलने के लिए, जैसे हम अपने सिलेंडर में गैस ओपन करते हैं तब ऊपर गैस में आता है ना चूल्हा, तो इसको यहाँ से खोलेंगे तब यहाँ से फिर किचन में आ जाएगा। और ये है यहाँ पे मिर्ची का पेड़, हरी हरी मिर्चियाँ, ये भी लेके जाऊंगी दिल्ली। ये है कुछ साग जो घर पे खाते हैं, भांग, जिसको इसको खाना पीना है पसंद है आ जाना। ये है हल, बैकयार्ड में इन्होंने लगा रखे हैं फ्लावर्स, ये वो फ्लावर्स है जो जूड़े में लगते हैं ना शादी में, गजरा टाइप, ये वो वाले फ्लावर्स। ये सारा है गांव, इसने तो घर कुछ दिखाया नहीं, सारा घर दिखाया मैंने, जितना मुझे पता था हमने खेती बाड़ी, जो घर में खेती बाड़ी है वो दिखा दी, घर दिखा दिया, और जहाँ किचन था वो सारा भी दिखा दिया, स्टोर रूम सब दिखा दिया। और ये है आड़ू हमारे हाथ में जो अभी हम खाएंगे। सो घर की वीडियो कैसी लगी, होम टूर और खेत सब कुछ थी, तो होम टूर कैसा लगा, और घर का गाँव का घर ऐसा ही होता है सबका, तो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मुझे बोलो सब्सक्राइब कर देना, ये बड़ा शर्माती है, बोलती ही नहीं है कुछ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते जल्दी ना, तब तक के लिए बाय।